आपको बता दें इस वक्त की एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बिजली का झटका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 2.64% बढ़े बिजली के दाम, विद्युत नियामक आयोग की अनुमति। तो यहां पर एक बड़ा झटका, टैरिफ रेट बढ़ाने की अनुमति। एमपी में एक बार फिर महंगी हुई बिजली, 1 अप्रैल से ये जो नई सेवा है ये लागू कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश में बिजली का झटका, मध्य प्रदेश वासियों को एक बार फिर लगा बिजली का महंगा झटका। 2.64% बढ़े बिजली के दाम और विद्युत नियामक आयोग की अनुमति मिल गई है और टैरिफ रेट बढ़ाने की भी अनुमति मिल गई है और 1 अप्रैल से बढ़ी हुई ये जो दरें हैं ये लागू हो जाएंगी। 2.64% बढ़े बिजली के दाम, अप्रैल से लागू होगी बढ़ी हुई दरें। तो एक बार फिर मध्य प्रदेश में बिजली हुई महंगी। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश बने हुए हैं। ब्रजेश, मैं इसी खबर के साथ आपके पास आती हूं कि अब 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश वासियों को एक बड़ा बिजली का झटका भी लगने वाला है। 2.64 यहां पर जो बिजली की दरें हैं वो बढ़ा दी गई हैं। बिल्कुल, देखिए एक तरफ पेट्रोल डीजल लगातार महंगा हो रहा है, खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं, फूड ऑयल महंगा हो रहा है लगातार, और अब एक और करंट जो है बिजली ने मारा है महंगाई का, और महंगाई जो बिजली है वो अप्रैल के महीने से जो है वो महंगी हो जाएगी। लगभग 2.75% रेट बढ़ा दिए गए हैं। लगातार विद्युत कंपनियां जो है वो प्रस्ताव उन्होंने रखा था कि 17% तक रेट बढ़ाए जाए, लेकिन तमाम आम नागरिकों की शिकायतें और आपत्तियां सुनने के बावजूद विद्युत नियामक आयोग जो है उसने रेट बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। हालांकि 2.75% रेट बढ़ाए गए हैं, लेकिन एक बार फिर से महंगाई का झटका अप्रैल महीने से पूरे प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को, आम जनता को लगना शुरू हो जाएगा। जी, क्योंकि यहाँ पर जो अनुमति है वो भी दे दी गई है और 1 अप्रैल से तो ये झटका मध्य प्रदेश वासियों को लगने ही वाला है। लेकिन ब्रजेश, एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम है जो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, 10 दिन में 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, ऐसे में एक और झटका मध्य प्रदेश वासियों की जेब पर लगने वाला है। बिल्कुल, देखिए लगातार तमाम चीजें महंगी हुई हैं। अभी हाल ही में सांची दूध ने भी अपने रेट बढ़ा दिए हैं और 4 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। सब्जी पहले से ही महंगी हो गई है, ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो फल आते हैं वो भी लगातार महंगे हुए हैं। इस सीजन में आम की शुरुआत 200 रुपए किलो से हुई है, तो समझ सकते हैं कि सब्जी, आम हो चाहे फल हो या फिर रोजमर्रा के इस्तेमाल के राशन हो या तेल हो, इन तमाम चीजों की रेट जो है लगातार बढ़े हैं। और इसके बाद अब पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, लगातार 10 दिनों से दामों में बढ़ोतरी हो रही है। इसी बीच बिजली का ये झटका वाकई आम नागरिकों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है, क्योंकि मई में जो बिल आएंगे, अप्रैल की बिजली की खपत के जो बिल मई में जनरेट होंगे वो बड़े हुए बिल आएंगे, और ऐसे में बड़े हुए बिल जो है उनसे जब सब्सिडी की दर कम हो जाएगी तो वाकई ये बिजली कर्मचारियों के लिए तो खुशी की बात होगी, लेकिन आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए, आम उपभोक्ताओं के लिए ये एक बड़ा झटका देने वाली है। और घरेलू एक आम उपभोक्ता की बात करें तो इसमें 30 से 50 रुपए तक, 100 रुपए तक की जो है बिजली के बिल में बढ़ोतरी हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।